आज में कैंट में आप दाखिल हो चुके हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? एहतजाज नहीं है, वो कहा था ना इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये क्रॉस करने की कोशिश की आज इन्होंने। देखिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ इधर, काफी लोग खड़े होते हैं ना यहाँ पे, आज नहीं नजर आ रहे आपको। अच्छा, तो क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? इस पैगाम जाके देते हैं, अभी जा रहे हैं आगे। आगे कहाँ जाने का इरादा है? GHQ जाना है। GHQ डायरेक्ट। लीडर नाअहल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पे आपने तो पूरे कैंटी बंद कर दिया है, ये क्या वजह है? पाकिस्तान बंद होगा, पूरा पाकिस्तान खान के साथ है, हमें जगाया उसने यार। देखा कितनी कौम कैसी जगह पहुंचा। मेरे लिए सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान है और उस पाकिस्तान की हिफाजत करने वाली पाक आर्मी है। मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें मैं कह रहा था कि मैंने GHQ जाना है, मेरा मकसद सिर्फ पूरा मन एहतजाज करना था, इसके अलावा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं हल्फन इस चीज का इकरार करता हूँ कि मैंने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा और किसी तोड़ फोड़ में इवन मैं वहां गया भी नहीं वहां पे। और बाकी ये जो अल्फाज थे ये जज्बात में मेरे से बोले गए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और एक चीज मुझे माफी का किसी ने नहीं कहा कि मैं अपना कौमी फर्ज समझता हूँ कि मैं अपोलोजाइज करूँ, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। और एक और चीज कि मैं आइंदा ऐसी किसी भी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होऊंगा, और मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन किया और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।